चलो सखी श्री सुंदर वाला दिन निरखी श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन हरखी श्री श्यामा जी ने अंगो सुंदर साथ निरखी तो हर क्यों मंगल बात सुंदर साथ बचा कर तेरी परिक्रमा तो दीजिए तेरा फेरी दीपक रंगा दरी तो डाले जाल सुबाती है आपर कंचन कलश जोई जलाल जोत करे सोई सिंहासन ज्योति मुहार सखिया तो सन मुख वाई मंडल नव रंग वाई दिन हाथ बहन भाई बहन बजाव दिन साथ गरमर भाई गरमरिया सैन माई स्वर पुरावे तिल संग मन में तो धरो अती उच्च रंग ये उच्च रंग कयो ना जावे कटिया तो प्रेम सहित वणी गावे कन्नन पुष्प बहु विराज सुगंध सर्वे मरा वाला दिन साज बिया दिन पूजन इन विधि कीजे साज समाजी ने पूजन इन विधि कीजे पूरण रमाजी ने पूजन इन विधि कीजे पांच स्वरूपी ने पूजन इन विधि कीजे सुंदर साजी ने पूजन इन विधि कीजे फिर फिर मोल स्वरूप चित्र लीजे तो कोई वासना इनकार मोल स्वरूप से नकारे न जाने नहीं कोई सोका इन्हें समाना अंगना तो कोट बेर कुर्बाना अंगना तो कोट बेर कुर्बाना पूरण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अकले अपारे संत गुरु शिव संग कार्तिक हाथी के इंगित शेषना पावत पार सतगुरु अगम जान के निगम कहा खोज पटिहारी ससुरी जान के मूल धनी अंगना अपनी सोहरे आए हमारे ससुरु श्री रघुराणी चक्की अंग सुधारा लीनो संग पधारे ससुरु विदुर पास के पड़े सो बंदा बारी बारी जाऊ मैं अपने किया पर सोबा मुख में हावी माना वाला दिन सिंहासन आसन में कार्य चंद्र
साल गुण गाए सतगुरु जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे भागवत ग्रंथ रचाया भागवत ग्रंथ रचाया वेद व्यास उचरे जय श्री कृष्ण हरे नारद के कहने से रच रच चंद भरे स्वामी रच रच चंद भरे कलयुग पाप को हरने कलयुग पाप को हरने कार्य सिद्ध करे श्री कृष्ण ज्ञान वैराग सो रहे वृंदावन माही स्वामी वृंदावन माही भागवती के सुनने से भागवत के सुनने जागती आए श्री कृष्ण पापी एक गुंधकारी प्रेत यानी धारे स्वामी प्रेत यानी धारे गोकरण कथा सुनाए गोकरण कथा सुना हो गए मिश्र तारे जय श्री कृष्ण निरुप परीक्षित ने समिख के गले सरफ डाले स्वामी गले सरफ डाले श्रृंगी साफ दिया था श्रृंगी साफ दिया क्रोध किए भारे जय श्री कृष्ण राज परीक्षित है बस गंगा तट आए स्वामी गंगा तट आए सुखदेव कथा सुनाई सुखदेव कथा सुनाई मुक्ति फल पावे जय श्री कृष्ण चौदह साल तक निजानंद जी भागवत श्रवण किए स्वामी भागवत श्रवण किए श्री निज नाम को पाया नारद श्याम को पाया श्री कृष्ण दर्श दिए जय श्री कृष्ण कली काल में जो जन भागवत सुन पाए स्वामी भागवत सुन पाए सतगुरु देव कृपा से सतगुरु देव कृपा परम धाम जाए जय श्री कृष्ण प्रभु जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण कन्हैया लाल की अपना यथास्थान ग्रहण करें हम सब ने ठाकुर जी को भागवत जी के इस पावन प्रांगण में बुलाया अपने मन के मंदिर में बुलाया उनकी आरती उतारी आइए प्रेम से मिलकर हम सब भोग लगाते हैं आइए बड़े प्रेम से हम सब भोग बोले आवत आज सखी मनमोहन आवत आज सखी मनमोहन सुन मेरा जिया हरे साए भला मेरे सुन मेरा जिया हरे साए भला प्रेम पावड़ो दारू पियाज को प्रेम पावड़ो दारू पुराए भला मेरे मकेल चौक पुराए भला मूंग बात गीत पूरी कचोरी मूंग बात गीत पूरी कचोरी व्यंजन जो मन भाए
जीवत युगल जुड़ी सुखपात जीवत राज समझ सुखपात जीवत पुरन जम सुखपात जीवत सतगुरु साहिब सुखपात यमुना जल सिवाए वाला मेरे पलक पधारे पलक पधारे ज्ञानदास सुख पाए वाला मेरे ज्ञानदास सुख पाए वाला मेरे ओ आज सखी कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरुदेव महाराज की आइए हम सब ने बड़े प्रेम से बड़े भाव से मिलकर ठाकुर जी की भागवत जी की सेवा पूजा आरती की उन्हें अपने मन के मंदिर में बुलाया उनकी आरती उतारी उन्हें भोग लगाया। अब सुंदर सुंदर भजनों के द्वारा हम अपने मन को परमात्मा के चरणों से जोड़े निवेदन भाई संत स्वामी से एक भाव हम सबको श्रवण कराएं। भाई संत स्वामी बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की संत आया एस की मैं क्या ले जाऊं भेद फुलड़ों की वर्षा करूं मैं तरण निभाऊं सी संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान अरे सवरा आज या पत है मेरी रे जावे जावेंगी ओ संग में आप गिर सवरा मेरी तो पत ही में जाए जावेंगी ओ संग में आप गिर Oh,
बड़े बड़े भलवान रे, बड़े बड़े भलवान। दुर्योधन दीवानी राजा के गिराने को नीमा बोला तो मारे छोटी उम्र में बाबा जी बन गयो और कुए की पाले पर बैठे हो भजन करे और भजन करती टेम है इतना वे के बरात निकली करने शादी निकासी कोई बाणिया लटकेगी और बाबा जी की पड़ देनी ध्यान उड़गी दुल्लो बने बैठे हो। बाबा जी मन में सोचते हो देख तुम देख जिंदगी में की को निकर हो बाबा जी बन गयो भजन करे यू तो तू शादी कर ले तो नहीं तो दुल्लो बन तो बैंड बाजा वास्ता डीजे वास्ता क्यों मन तो कभी तू यहां करता करता बजान तो चली गई आ गए बरात तो निकासी। बाबा जी नींद आ गई तो कुएं की पाल पर हो पाल समझो थे भेंत ने बोले तो बैठे बैठे ने नींद आ गई और सपनों आवे और कई बार यह हो जाए दिन में नहीं मन में यहां सोचा नहीं कोई बात दिमाग दिखे कई बार हुए तो यहाँ ड्राइवर हुए वो ब्रेक लगावे दनगा आ गई तो खाट हुए नहीं पागो जान दो रे हुए
तो भी नींद आई मन में यहां सोचो तो तेरी शादी होगी और एक लड़को हो गयो, बाद में एक लड़को और हो गयो कि फैक्ट्री सी खुल गई। तो करता करता दोनों छोरा लड़े अब श्री में कपन्ने श्री के बाबे त्रिक मैं सोऊंगा, बाबा जी निंदा में हो, पाल में श्रीकनो शुरू हो गयो कुए कानी। तो गद्दे निकुए में पड़ गयो, गाम का आया अरे बाबा जी वो के कुआ में काम पड़ गयो। बोले भाईड़ा ब्याह ना कराइयो, जो कोई ब्याह कराओगे वो कुआ में ही पड़ेगो। बोले कृष्ण के नैया लाल की सुनवाइए, तो ताली बजा दो। लाल की ये थे भाई संत स्वामी। आइए इसी तरह सुंदर सुंदर भाव सुनते रहें। निवेदन मास्टर राम निवास जी से कि आप भी अपना एक सुंदर सा भाव हम सबको श्रवण कराएं। मास्टर रामनिवास जी बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। बंधु सतगुरु चरण को धनी प्रेम प्रणाम, शुभ हर मंगल करम श्री देव चंद्र जी प्राणनाथ निज मूल पते तुसी तेज कमर श्यामा युगल को तो पल पल करो प्रणाम। गुरुदेव को तो धर धर एक दास जान करी दया करो तो बुद्धि लो बख्शी। गुरु मिले इतना टले तो काल जाल जब चो शीश दिवाला गिर पड़े तलक पापों की पो। एक सतगुरु का बंधन मत छोड़िए तू गुरु बंधन आधार जो छोड़े गुरु बंद को तो सोई डूबे मज धार। आइए गुरु जी के चरणों में छोटे से गुरु बोलना। गुरु के समान दाता और ना जहान में हिंदू की पुराण में ना हिंदू की
प्लानिंग है मारी आगे बैठने की आगे बैठने का अलग सा 100 रुपया 200 ले लियो गुरु के समान माता मोरे नाचान में गुरु के समान माता मोरे नाचान में हिंदू की पुराण में हिंदू की पुराण में मिया की पुराण में बजाते हुए अपने अपनी हाजिरी गुरु महाराज के चरणों में लगाए हरि बोल
समान दाता कोई राम इसी तरह अपने मन को परमात्मा के चरणों से जोड़े रखें। सुंदर सुंदर भाव के द्वारा, सुंदर सुंदर भजनों के द्वारा परमात्मा ने बड़ा सुंदर समय हम सबको दिया है, बड़ा सुंदर दरबार हम सबको दिया है। ये सुंदर समय हम व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कामों में न गवाकर परमात्मा का सुमिरन करें, ताकि परमात्मा का वो प्रेम, वो आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बंदो सतगुरु चरण को मैं कर धन प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी ना। प्राणनाथ निज मूलपति श्री महाराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। गुरु गोविंद दो खड़े में काके लागोपा, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता, जिन गोविंद दियो बता। आइए मीठी मीठी तालियां बजाते हुए एक बड़ा सुंदर सा भाव, हम सब मीठी मीठी तालियां बजाते हुए अपने ठाकुर के इस भाव में अपनी अपनी हाजिरी लगाएंगे, और ये मीठा सा निवेदन हम ठाकुर जी के चरणों में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। नजरों को जब से तेरा दी
जब से तेरा दीदार मिला है, प्यार मिला है बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है बहुत प्यार मिला है। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए कन्हैया लाल की, सतगुरुदेव महाराज की जय। गोली कृष्ण।
कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए हमारे बीच हरस शास्त्री आए हैं भिवानी से, निवेदन कि अपना कुछ भाव केवल 2 मिनट के लिए। भाई हरस शास्त्री बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। नींद आ रही है। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। वंदो सतगुरु चरण को मैं करूं धन प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी देव चंद्र जी नाम। प्राण नाथ निज मूल पति मेहर राज शुभ नाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम, मैं नित नित करूं प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हृदयस्थ विराजमान तम पूजनीय तम आदरणीय दत्मलिन शिष्य 108 श्री सतगुरुदेव भगवान, कुछ ही समय में आप और हमारे बीच श्रीमद् भागवत कथा का जो हमें रसपान कराएंगे भागवत वाचस्पति श्री गुरुदेव स्वामी रामदास जी महाराज। धर्म परायण प्रणामी धर्म को जो आगे चला रही हैं साध्वी पवित्रा दीदी एम साध्वी सुरभि जी महाराज, और आज विश्राम दिवस के अंदर आए हुए, सप्तम दिवस के अंदर आए हुए सभी संगीतकार बंधु एम सुंदर साथ जी, आप सबको हमारा प्रणाम स्वीकार हो। और एक बार प्रणाम बोलना होगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, नहीं प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। हम 7 दिन से लगातार, आज 7वां दिन है, हम रोज कथा सुनते हैं, रोज हम करते हैं, तो क्या सीखा हमने? सत्संग, ये भागवत जी के अंदर बहुत बार आता है ये शब्द सत्संग। क्या होता है सत्संग? सत्संग 2 शब्दों के मेल से है, सत और संग। सत्संग यानी अच्छा संग, जहां अच्छा संग होगा वहां भगवान का सुमिरन अपने आप हो जाएगा। आप किसी सज्जन पुरुष का कीजिए संग, वो भगवान चर्चा में, भगवान चर्चा में, भगवत चर्चा में आपको लगा लेगा। लेकिन वहीं आप कहीं कुसंग में लग जाइए, वो आपको जाने ही नहीं देगा, या कुछ भी हो वो आने ही नहीं देगा। अरे छोड़ देना, हो रहे हो सत्संग के हो। और वहीं पे अगर कोई सज्जन पुरुष होगा, अरे भाई चल भागवत हो रही है, पता नहीं कब कब सुनने को मिलती है, चले। भागवत जी हमें सिखाती है, हमें प्रेम से रहना, हमें सत्संग करते रहना है। तुलसीदास जी भी कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध से हरहूं कोटि अपराध। यानी सत्संग की तो कुछ घड़ियां ही आपको पार लगा देती हैं। भागवत जी के अंदर आता है कि को हमें रोज 1 श्लोक भागवत जी का पढ़ना चाहिए। परीक्षित जी कहते हैं अगर किसी को 1 श्लोक पढ़ने की भी फुर्सत नहीं हो तो सुखदेव जी कहते हैं उसे आधा श्लोक पढ़ना चाहिए। यानी 4 पंक्तियां होती है 1 श्लोक में, 2 पढ़ लो तो भी पार है। बोला अगर 2 की भी समय ना हो, 2 पढ़ने की भी फुर्सत ना हो तो बोला केवल 1 पंक्ति आधी की भी आधा श्लोक जो पढ़ लेता है उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाती। कृष्ण कन्हैया लाल की, यानी कितना भगवत नाम कितना करना हमें। देखिए कितने छोटे से बोले सदगुरुदेव भगवान की। आज परम सौभाग्य गुरुदेव का अवतरण दिवस। आइए मैं ज्यादा समय न लेते प्रमोद भाई की ओर बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
और ये गुरु महाराज का पावन आगमन हुआ है। एक जोरदार जयकारे में गुरु महाराज के चरणों में जय जयकार करें। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नाथ प्यारे की जय। सभी अपना यथास्थान ग्रहण करें। पूज्य गुरु जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं और आइए सीधा चलते हैं गुरु महाराज के चरणों में, ज्यादा विलंब न करते हुए क्योंकि समय काफी हो गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा साध्वी पवित्रा जी महाराज से कि जब संत गुरुजन व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं तो सर्वप्रथम चंदन वंदन अभिनंदन के द्वारा गुरु महाराज का पूज्य व्यास जी का स्वागत सत्कार किया जाता है। तो चंदन वंदन के लिए जो नाम है, जो सुंदर सात भक्त हैं, उन्हें मंच पर बुलाएं। साध्वी पवित्रा जी महाराज बोलो। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, सभी को प्रणाम जी। और आज हमारी भागवत कथा का अंतिम दिवस, और अंतिम तो हम ना ही कहें क्योंकि ये तो गंगा है, भगीरथी है, बहती रहती है। आज गंगुआ में बह रही है, कल जम्मू कश्मीर में बहना शुरू हो जाएगी और ऐसे ही क्रम चलता रहता है, आगे से आगे, आगे से आगे। तो आप सभी कथा में आए, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्योंकि व्यासपीठ की मर्यादा, जब गुरु महाराज कथा सुनाने के लिए बैठते हैं तो श्रोताओं का ये कर्तव्य होता है कि वो गुरु महाराज का पूजन करें, क्योंकि सुखदेव मुनि महाराज का पूजन भी दीक्षित ने सर्वप्रथम किया। भागवत कथा में सर्वप्रथम यही आया, क्योंकि ये कथा किस पर चल रही है, परीक्षित जी और सुखदेव जी पर। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी को वंदन किया, अभिनंदन किया, चंदन तिलक लगाया। तो आइए हम भी गुरु महाराज का पूजन करें। और मैं निवेदन करूंगी श्री विजय लबारी जी, श्री साधु राम जी फौजी, श्री रणजीत माल जी, श्री विनोद ठेकेदार, श्री राजा मार काबरेल से श्री पूर्ण असीजा जी, और कल्याण कॉलोनी से हमारे शर्मा जी, जगदीप शर्मा जी आए और गुरु महाराज जी को चंदन वंदन करेंगे। और भी श्री कैलाश गोयल जी भी बैठे हैं, आइए गुरु महाराज जी का चंदन वंदन करिए। और भी कोई माता भाई बहन आकर के गुरु महाराज जी को चंदन वंदन करना चाहे तो आइए और चंदन वंदन करें। हाँ, डाबड़ा से ताऊ जी भी आए हैं गुरु जी का चंदन वंदन करने के लिए, ऊपर आ जाए सीधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और आइए तब तक चंदन वंदन हो, एक छोटा सा भजन गुरु चरणों में। और आज हमारे मध्य हिसार से साध्वी सुरभि महाराज जी भी पधारी हैं, तो निवेदन करूंगी कैलाश गोयल जी से सुरभि जी का भी आप चंदन वंदन करें, माल्यार्पण करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। वंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण चंद्र जी दास जान कर दया करो। भगवान की महिमा को बढ़ाया और ऐसी ही एक मीराबाई भक्त के अपने आप को भक्त साबित किया। तो आइए मीराबाई कह रही है, मेरे घुंघरू बोले हरी हरी, मेरे घुंघरू बोले, मेरे घुंघरू बोले हरी हरी, मेरे घुंघरू बोले हरी हरी, गोविंद हरी गोपाल हरी, गोविंद हरी गोपाल हरी, गोविंद हरी गोपाल हरी, गोविंद हरी गोपाल हरी, मेरे घुंघरू बोले हरी हरी, मेरे घुंघरू बोले हरी हरी, मेरे घुंघरू बोले हरी।
प्रभु बोले हरि हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि मेरा घुंघरू बोले हरि हरि मेरा घुंघरू बोले हरि हरि सभी बोलिए क्योंकि मीरा जैसा भाव हमारा होगा तो हम परमात्मा को भी अच्छे लगेंगे और गुरुदेव को भी अच्छे लगेंगे मेरा घुंघरू बोले हरि हरि मेरा घुंघरू बोले हरि हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि बारिश आ गई।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी ये सुंदर भागवत कथा की बैठक चल रही है, कैसे ये 7 दिन बीत गए पता ही नहीं चला, और आज एक एक करके ये 7वां दिवस अंतिम दिवस की बैठक में हम सब यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। तो ज्यादा विलंब न करते हुए आइए गुरु महाराज के चरणों में हम सब एक मीठा सा निवेदन करें कि आज 7वें दिवस की सुंदर सुंदर कथाएं, मधुर मधुर लीलाएं हम सबको सुनाकर हम सबका बेड़ा पार करें, हम सबका उद्धार करें। आइए दोनों हाथों को उठाकर जय जयकार करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अखंड मंडलाकार व्यापमेन चराचरम् तत्पदर्शि तस्मय श्री गुरवे नमः। नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। जनवादस्यतो वयादितरतस् चापीष्वभीकस्वरा तेरिदमृदाय आदिकवे मुह्यन्ति यत् सूरय ृदाथ विमयो यसर्गो मृषा धामना श्री सदास्तुकम सुस्तम परम धीमहि वंशी विभूषितकरानवनीरिदा पीतांबरातरुण बिंब फलाधरोस्ता पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्याद्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव। धन मन धन अर्पण कियो सब तुम पे बजराज मन भावे सोई करो
हाथ आपके लाल। प्रणाम करो गुरुदेव को धरि चरणों में शीश, दास जान के दया करो बुद्धि दो बख्शी। वंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। प्राणनाथ निज मूल पति श्री महाराज सुना, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। सतगुरु मंगल दास हो साथ सुंदर धाम, आशीष अपना दीजियो हो पूरन काम, हो वे पूरन काम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री कणनाथ प्यारे की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, सत्संग श्री मंगलदास जी महाराज की जय, गुरुदेव श्री दयालदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। आइए मिलकर इतने प्रेम से बड़े भाव से संकीर्तन बोले, अपने मन और जिह्वा को पवित्र करें। उससे पूर्व कहां गए पवित्र महाराज, कुछ बोल रही थी पायल गांव से कुछ भक्त सुंदर सास आए हैं। धन्यवाद मनोज माही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे राम, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे राम, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे कभी तुम्हारा शाम हो गए
दिन रात गाऊं हे नाथ नारा अड़वा सुदेवा निज काम के मैं दिन रात गाऊं हे नाथ नारा अड़वा सुदेवा निज गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरि राधे राधे कृष्ण राधे 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 राधे
राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हृदय से विराजमान परम पूज्य सतगुरु महाराज समस्त कार्यक्रम के सूत्रधार भागवत प्रवक्ता धर्म प्रचारिका साध्वी पवित्रा महाराज जिनकी देखरेख में जिनके नेतृत्व में ये समस्त कार्यक्रम हो रहा है। भागवत प्रवक्ता धर्म प्रचारिका साध्वी सुरभि महाराज हमारे परम आदरणीय वैवृत्त ज्ञान आपके गंगवा गांव के हैं स्वामी प्रेम सहजानंद जी महाराज और आपके गांव के ही श्री रामदेव मंदिर के संचालक महंत महाराज श्री स्वामी जी महाराज भागवत प्रवक्ता भजन गायक भाई भाई प्रमोद कृष्ण भजन गायक मास्टर राम निवास जी मास्टर प्रवीण भाई गौरव राव हरस शास्त्री आज एक नया चेहरा देख रहे हैं आप जो ऑर्गन पर मेरा साथ देने आए हैं भाई सोनू और आज श्रीमद् भागवत की पूर्णाहुति के अवसर पर पायल गांव से भी आए हैं डाबड़ा से भी आए हैं हिसार से भी आए हैं तथा आप सभी गंगवा गांव निवासियों बुजुर्गों मातृशक्ति माताओं बहनों भाइयों युवा साथियों प्यारे बच्चों भक्त आत्माओं सुंदर साजी समस्त गंगा गांव के तत्वधान में आयोजित अंतिम और प्रणाहुति के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और एक बार प्रणाम जी तो आप सभी को बोलना ही पड़ेगा। सब बोलेंगे प्रणाम जी फिर से बोले प्रणाम जी प्रणाम जी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की परमात्मा की बड़ी कृपा है श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में गोते लगा रहे हैं अवगाहन कर रहे हैं और आज वैसे भी आश्रम में प्रातः काल से ही सत्संग आदि का कार्यक्रम चल रहा था। आप में से बहुत सी भक्त सुंदर साधु वहां भी थे। कितना अच्छा है कि हमारा समय ज्यादा से ज्यादा सत्संग में बीत रहा है और शायद इससे बड़ा शुभ कार्य संसार में और कोई नहीं। ये समय ये श्वास ये जीवन
ज्यादा से ज्यादा अच्छी संगत में बीत जाए। सत्संग का मतलब सत्य का संग करना, अच्छों का संग करना। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग तो वहां पर भी थे और अब रात्रि कारण इस सभा में भी यह आएंगे। फिर मैं याद दिला दूं, रात को तीन तरह के लोग जगते हैं। इस समय तीन तरह के लोग जग रहे हैं, रोगी, भोगी और योगी। हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला रहे हैं, परमात्मा के साथ हमारा योग हो रहा है, इसलिए हम सब योगी। आप सब बैठे हैं ना, आप सब योगी। और परमात्मा की जब विशेष कृपा होती है तो ऐसा मौका मिलता है। और आज गंगा गांव में ये सातवां सप्तम दिवस इतना आनंद आया, आप सभी ने इतने प्रेम से, इतने भाव से, इतने श्रद्धा से कथा सुनी है। और हमारे शास्त्र कहते, गीता कहती, कृष्ण कहते अर्जुन, श्रद्धा वास लब्धे ज्ञानम। जिसके अंदर श्रद्धा होती है उसको ज्ञान मिलता है। और इस कलयुग में भक्ति तो बहुत है लेकिन ज्ञान नहीं है, क्योंकि लोगों में श्रद्धा नहीं है, लोगों में विश्वास नहीं है। कृष्ण कहते अर्जुन, श्रद्धा वास लभते ज्ञानम। जिसके अंदर श्रद्धा होती है वही ज्ञान को प्राप्त होता है। और ज्ञान मुझे लगता है कि इस बार गंगवा में मैंने भागवत कथा को कम छेड़ा है। कथाएं तो आप सुनते रहते हैं, कथा के बाद जो कथा का सार होता है वो मैंने आप तक प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। और इन इन शास्त्रों में जो आप सुना है और इसको आप हृदय दम करें, अपने अंदर धारण करें, चले आपने गुरु बनाया है और गुरु की आज्ञा का आप अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उनके उपदेशों को जीवन में अपना नहीं रहे हैं तो बेकार है। अब तक नुगरे ही आप, सच्चा सुगरा वही है जो गुरु की 100% नहीं, 100% चलो आप नहीं ग्रहण कर सकते हैं तो कितना परसेंट बच्चे को एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितने मार्क्स सही होते हैं? हाँ बच्चों, कितने? 33 में 100% नहीं तो 33% को आप जीवन में उतारेंगे उतारेंगे, ये मुझे आशा और उम्मीद है आप सभी। महामनुष्य देव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे, परीक्षित कृष्ण की लीलाओं को जो समझ गया वो कृष्ण का बन गया, और कृष्ण की लीलाओं पर जो उंगली उठाने वाले हैं वो अज्ञानी। कृष्ण कोई साधारण देवी देवता नहीं है। भागवत कहती है श्री कृष्ण तो भगवान स्वयं है, श्री कृष्ण तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, तो भगवान है। और उनकी लीला पर उंगली उठाना, उनकी लीला पर कोई शंका करता है वही लंका में रहता है, लंका में रावण रहता है। इसलिए श्री कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत है। और सुखदेव जी पर राजा परीक्षित को कृष्ण की अंतिम लीला सुना रहे हैं, एक बड़ी सुंदर लीला है। कृष्ण सुदामा मित्र था, हे परीक्षित कृष्ण से आशीष सखा कसी ब्राह्मण ब्रह्मविद्म विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्म जितेन्द्रिय। ये परीक्षित श्री कृष्ण के मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। बड़े गरीब है, कितने गरीब? सुदामा झोपड़ी पर पूरी छतरी नहीं है, बारिश का पानी ऊपर से भी अंदर, नीचे का भी अंदर, और सूर्य की पहली किरण सुदामा की झोपड़ी के अंदर, लेकिन फिर भी सुदामा मस्त है। इतने निर्धन है, इतने गरीब हैं, लेकिन दिल के बड़े बड़े अमीर हैं।
जो अंदर से हार नहीं मानता है ना, उसकी हार कभी नहीं होती। व्यक्ति हारता तब है जब वो अंदर से हार जाए। अंदर से हारना नहीं, बाहर से हार गया तो दोबारा जीत जाएगा, फिर हार गया फिर जीत जाएगा, लेकिन जो अंदर से हार गया वो दोबारा होते रहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर से असफल ना हो, अंदर से फेल ना हो। सुदामा गरीब है, सुदामा बड़े निर्धन है, लेकिन अंदर से बड़े अमीर है। मतलब सोच हमेशा ऊंची रखनी चाहिए, विचार हमेशा ऊंचे रहने चाहिए। जीवन में जैसी परिस्थिति आ जाए कभी भी नकारात्मक मत रहना, कभी भी नेगेटिव हमारे अंदर ना आए, सोच हमेशा ऊंची होनी चाहिए। सुदामा भले ही गरीब है, टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन उनका जो विल पावर है, उनके जो आंतरिक जो शक्ति है बड़ी मजबूत, बड़े हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते। कोई पूछता सुदामा कैसे हो, तो सुदामा क्या जवाब देते, मजे में कोई कमी नहीं। कई लोग फालतू की चिंता करते रहते, आज एक बहन आई बोलते गुरु जी चिंता नहीं जाती है। मैंने कहा क्या हुआ, बेटी ने कई सारे टेस्ट दे दिए, एक दो नंबर से रह जाती है। तो मैंने कहा फिर टेंशन किस बात की, मैंने कहा तू टेंशन ले लेगी तो बेटी पास हो जाएगी क्या। मैं आपसे ही पूछता हूं, आप किसी बात की टेंशन ले लोगे तो क्या वो बात आपके टेंशन लेने से कामयाब, उस काम में कामयाब हो जाओगे क्या? फिर क्यों? जीवन में जैसे भी दिन आए हमेशा हंसकर कटना चाहिए, रोककर नहीं। रोककर जो दिन कटते होंगे वो कायम होते हैं। इसलिए हमारा जो विल पावर है, जो हमारी आंतरिक शक्ति है, जो मनोबल जिसको कहा है, वो मनोबल नहीं गिरना चाहिए हमेशा। जाही भी दिला के प्रभु ताही भी दे रही है, ये तो सुक्ति है ही है, ये तो चौपाई दोहा है ही है, लेकिन फिर भी हमें खुश रहना चाहिए। जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, लाभ और हानि होते रहते हैं। जीवन में कोई जीतता है कोई मर जाता है, कब तक चिंता करोगे? चिंता कौन करता है जो अज्ञानी होता है? ज्ञानी चिंता नहीं करता है, वो चिंतन करता है। चिंता वो करेगा भाई, तुम चिंतन करो उसका चिंतन करो, आप चिंता वो स्वयं करेगा। अर्जुन महाभारत का युद्ध लड़ रहे हैं और सामने कौरवों की विशाल समुद्र की तरह सेना, अर्जुन की सेना छोटी सी। अर्जुन हिम्मत हार बैठे थे तब कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन तू चिंता क्यों करता, तू चिंतन कर, तेरी चिंता मैं स्वयं करूंगा। हम तो दो दो काम करते हैं कभी कभी, है ना भक्त लोग, चिंता भी करते हैं चिंतन भी करते हैं। एक काम करो, एक काम भगवान को दे दो, एक काम पूर्णतया परमात्मा को सौंप दो, हम आपका चिंतन करेंगे और आप मेरी चिंता करनी ही पड़ेगी, आपको मेरी चिंता करनी ही पड़ेगी। मैं एक ही काम कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त।
आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं। गाते गाते फकीरा ये कह जाता, गाते गाते फकीरा ये कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता। इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, कौन कौन मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, एक बार याद बोलिए, दुख आते हैं। गाते गाते फकीरा ये कह जाता, गाते गाते फकीरा ये कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता। इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। कौन कौन कहता है मस्त रहते हैं, यही तो जीना भाई जीना है, यही तो जीना भाई जीना है। विष छोड़ दिया अमृत पीना है, विष छोड़ दिया अमृत पीना है, हम अमृत पी रहे रहते हैं और रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम अमृत पीते रहते हैं और मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते माता बहनों भाइयों, सुख दुख लाभ हानि जीना मरना ये होते रहते हैं, लेकिन मस्त रहिए, जीना तो पड़ेगा आपको। चाहे दुखी होकर जिए, चाहे शांति से जिए, जीना तो पड़ेगा। और जीवन इसी का नाम है, कभी दुख आता कभी सुख आता, जीवन इसी का नाम है। हमेशा कोई सुखी नहीं रहा है, हमेशा किसी के जीवन में खुशियां नहीं आई है, दुख और सुख हमेशा साथ रहते हैं। सुदामा की तरह मस्त रहते हैं। पत्नी का नाम सुशीला है, सुशीला भी इतनी सुशील, पति की मर्जी ही मेरी मर्जी है, पति जो कुछ करे, कुछ लाए कोई अनुष्ठान करके, विवाह शादी तेरे आदि में कोई अनुष्ठान करके पाठ करके जो घर में आ जाता उसी से घर चलाती थी। कभी कुछ मांगा नहीं, मुझे ये चाहिए, एक साड़ी उसी को धोकर रात को सुखा देती, सुबह लपेट लेती। सुशीला वास्तव में धर्म पत्नी, अपने अमीर पति को तो हर पत्नी प्यार करती है, लेकिन धर्म पत्नी वह है जो पति की गरीबी में भी उससे प्रेम करती है। पति गरीब हो उससे प्रेम करे, वो धर्म पत्नी कहलाती है। और मैं हमेशा कहता हूँ, संसार में तीन तरह की पत्नियां होती हैं, धर्म पत्नी, कर्म पत्नी और पाप पत्नी। जब पति को धर्म में लगाया, पति सत्संग में नहीं आता है, पति कथाओं में नहीं आता है, पति वो धर्म में विश्वास नहीं रखता, वो आस्तिक नहीं, मंदिर में नहीं जाता,
धर्म पत्नी वह है जो पति को धर्म में लगा दे, अच्छे काम में लगा और लगा सकती है। अपने पति को बसी बहने आती है, गुरु जी आता नहीं है, वो सत्संग में किस तरह लेकर आओ ना, घूंट मारता है, जुआ भी खेलता है। मैंने कहा सत्संग में तू लेके आ, मैं थोड़ी जानता हूं तेरे पति को कौन है। ना जी आता नहीं है, और पहली बात सबसे बड़ी शिकायत है हमारी तो बात ही नहीं मानता, बाकी सबकी मानता मेरी नहीं मानता। तो मैंने कहा कभी माना करता था क्या? याद करके कहते हैं जब नई नई शादी हुई थी ना तब तो मान लेता था, आजकल नहीं मानता। मैंने कहा तब बना लेती, तब उसको उसकी शराब छुड़वा देती, तब उसका जुआ खेलना छुड़वा देती, तब उसका घर में देर से आना छुड़वा देती, तब तो ना आदमी ये करे ही करे। क्योंकि विवाह जब हो जाता है ना तो पति तो कुछ वर्षों तक प्राणनाथ होता और पत्नी चंद्रमुखी रहती है। शादी के 5-6 साल के बाद पति प्राण तो समाप्त हो जाते हैं, केवल नाथ नाथ रहता है ना। और पत्नी चंद्रमुखी थी, अब शादी को कई साल हो गए हैं, कई साल साथ रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानने पहचानने लगे, तो पत्नी सूरजमुखी हो गई, सूर्य की तरह गर्म हो, गर्मी दिखाने लगे। इतना तक ठीक है, पति नाथ हो गया और पत्नी सूरजमुखी हो गई। शादी को 15-20 साल हो जाए तो पति तो बेचारा प्राणनाथ से नाथ हो गया और नाथ के बाद अनाथ रह गए, और पत्नी चंद्रमुखी फिर सूरजमुखी और अब ज्वालामुखी, गर्म गर्म गालियां निकल मन में न जाने जो आए वो अनाप शनाप बोलती है, तो फिर पत्नी ज्वालामुखी बन जाती है। ज्वालामुखी मत बन और पति को अनाथ मत कर देना चाहिए। धर्म पत्नी का मतलब जो पति को धर्म में लगे, शुरू से जाते ही विवाह हुआ शादी हुई पति को धीरे 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 प्यार से बहलाकर फुसलाकर सत्संग में ले आओ, कथा में ले आओ, मंदिर में ले जाओ, तीर्थ में ले जाओ, गुरु के पास ले जाओ। पर एक बात रखो, जोड़े के साथ जो मंदिर जाते हैं, जोड़े के साथ जो कथा में आते हैं, उनको कथा सुनने का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और मैंने ये भी महसूस किया है जो परिवार सत्संग में जाता है, जो परिवार पूरा का पूरा सत्संग में जाता है, पति पत्नी बच्चे बेटी बहू, उस परिवार में कभी भी झगड़ा नहीं होगा, कभी भी अलगाव नहीं होगा, उस घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। और ये गारंटी के बाद उस घर में हमेशा सुख ही सुख होगा। धर्म पत्नी दूसरी है, कर्म पत्नी, पति के धर्म से मतलब नहीं है, कमा के लिए आया, खाया पिया सो गए, कोई मतलब नहीं। और तीसरी होती है पाप पत्नी, वो कैसी होती है? प्रोडक्शन के यहां पर नई LED आई है, TV रंगीन बढ़िया वाली, महंगी वाली, 50,000 वाली, ब्रांडेड, मुझे भी चाहिए। पति कहता देवी तनखा मेरी 12,000 है और 50,000 का ये सामान कैसे लेके आऊं, चाहे चोरी करके लाओ, चाहे डाका डाल के लाओ, चाहे छल छपट करके लाओ, लेकर आओ। वो पाप पत्नी है जो पति को पाप करने में प्रवृत्त करेगी। धर्म पत्नी है सुशील। और एक बार तो ऐसी परिस्थिति आ गई, सुदामा के घर में 3 दिनों से भोजन नहीं बना, तड़प रहे हैं, माँ कब तक पानी पी पीकर पेट की आग शांत करेंगे? कुछ कुछ अनाज पेट में जाएगा तभी तो शांति मिलेगी ना। माँ सब कुछ सहन कर सकती है लेकिन बच्चों को भूख से तड़पता नहीं देख सकती। ससुर ने सोचा मैं क्या करूं, इधर उधर घूमी, पति ने कह रखा था मांगकर नहीं लाता। सुदामा मांगते नहीं थे क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है लेकिन मांगना नहीं चाहिए।
ब्राह्मण को कभी मांगना भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, भीख नहीं मांगना, दान ले सकता है। और सुदामा का काम कैसे चलता था, बस पूजा पाठ करके अनुष्ठान करके। और पहले क्या होता था, पहले हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत ना एकादशी के दिन 11 के दिन कच्चा निकाला करते थे, कच्चा सागा, आटा दाल चावल वो ले जाकर किसी कर्मकांडी ब्राह्मण के यहाँ पर दे दिया जाता था, तो ब्राह्मण का काम चल जाया करता था। लेकिन आजकल वो सिस्टम भी समाप्त हो गए, इसलिए मैंने कहा था, क्योंकि आज ब्राह्मण अपने धर्म से इसलिए गिर रहे हैं कि उनको कुछ और आजकल तो बच्चे पढ़ रहे हैं, आजकल तो ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ लिख करके ये कर्मकांड में बहुत कम आ रहे हैं। कई बार तो विवाह फेरे करवाने वाले पंडित नहीं थे, लेकिन फिर भी आजकल ऐसे मंदिर में रहने वाले जो ब्राह्मण हैं, संत हैं, उनका काम आपसे चलता है। इसलिए सप्ताह में एक दिन मंदिर जाया करो, अपने बेटे बेटी पोते पोतियों को लेकर। मैं फिर दोहरा रहा हूं, दोबारा से याद, जाते हो साल में एक बार खाटू श्याम, जाते हो साल में एक बार कावड़ लेकर आते हो। यदि आपने गांव के भोले बाबा के मंदिर में जाकर माथा नहीं रखा, आपने गांव के हनुमान जी के मंदिर में जाकर माथा नहीं रखा, तो सालासर वाले बालाजी आपके काम नहीं आएंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। वो साल में एक बार आप जा रहे हो ना, चाहे खाटू जा रहे हो, चाहे हनुमान जी बालाजी कहीं जा रहे हो, चाहे कावड़ लेकर आ रहे हो, गांव के मोहल्ले के मंदिर में आप कभी नहीं गए, इसका मतलब आप एक पाखंड कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। मैं पैदल यात्रा करके जा रहा हूँ, मैं पैदल यात्रा कर रही हूँ, दिखावा, एक नंबर का दिखावा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो भक्त नहीं है, वो एक नंबर का पाखंडी है, जो गांव के मंदिर में जाता नहीं है, गांव के भोले बाबा के शिवलिंग पर कभी जल नहीं चढ़ाता है, और गांव के हनुमान के मंदिर में नहीं जाता है, गांव के श्याम बाबा के मंदिर में नहीं जाता है, गांव के रामदेव महाराज के और जा रहे हो रुणीचा साल में एक बार पैदल, कोई फायदा नहीं, मत जाया करो। और मैं तो उन लोगों से कहता हूं जो भंडारे लगाते हैं ना, मैंने कहा गलत बात है, आप इनके लिए भंडारे लगा रहे हो, मैं साधु हूं, सच्ची बात कहूंगा, और सब तक किसी को बुरा लगे, मैं प्रैक्टिकल बात कहने वाला हूं। ये जो भंडारा लगाते हैं ना, मैं सच्ची बात बताऊं, एक मेरा मित्र है कैमरे गांव में, वो पहली बार कावड़ लेने गया, और मैं उस समय बीतक कर रहा था, क्योंकि सावन के महीने में कावड़ लगा था, बीतक सावन में हो रही थी, तो मैंने कहा प्रीति कैसा करा, बोले गुरु जी पैर तो सूज गए लेकिन खान पीन में तो बटे उबर गया, जैसे बटे की सेवा करे ना, सुल्फा भी मिले खूब, जिसको जो खाना पीना, शराब पी के शराबी जो कावड़ लेकर आ रहा है, जो कभी भोले बाबा के गांव के मंदिर में गया नहीं और एक बार कावड़ लेकर आ रहा है, जीरो है, वो नाटक है, पाखंड है, एक रत्ती भर भी उसको पुण्य नहीं मिलेगा। यदि आप हर हफ्ते या 15 दिन में गांव के किसी मंदिर में आप नहीं गए, अब जाना शुरू कर दो। माताओं बहनों भाइयों, अपने बच्चों को लेकर जाया करो, मंगलवार हो रविवार हो, एक दिन आप गांव के जाते समय ना एक कटोरी, मुझे ध्यान है मैं छोटा सा था, गांव में मंदिर है ना, तो वहां माताएं आया करती थी, और कभी कभी कोई आटा लेकर कटोरी में, कोई दाल लेकर, कोई चावल लेकर, कोई गेहूं लेकर, दो तीन पीपा रखा होता था बर्तन, उसमें डाल दिया जाता था। और गांव के जो पुजारी होते हैं, जो मंदिर के पुजारी है, महंत है, महाराज है, उनका काम चल जाया करता था, ताकि उनको मांगना ना पड़े। हाथ इसी बहाने आपका ना, आप हो सकता है कि एक बोरी अनाज एक साथ नहीं दे सकते कहीं भी,
आप यदि 100 ग्राम एक कटोरे में आटा दाल चावल कुछ भी अनाज लेकर जाओगे क्या होगा? जो बच्चा पूछा होगा तो पंडित जी या महाराज जी चींटी को दाना डाल देंगे, वो पुण्य आपको होगा, महाराज जी पंडित को नहीं होगा जिसने वहां पर डाला। आप हर रोज चींटी को दाना नहीं डाल सकते, आप हर रोज चिड़िया को दाना नहीं डाल सकते, तो हफ्ते में जाकर मंदिर में डाल दो, वो आपका पुण्य होगा। इसलिए ध्यान देना, साल में एक बार जो जाने वाले हैं मैं उनको पाखंडी बोलता हूँ। कौन? कौन जो हर रोज, रोज या सप्ताह में एक दिन किसी मंदिर में जाकर मरना नहीं रखते, अपने बच्चों को सुधार लो। बच्चे नास्तिक होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे धर्म से विमुख होते जा रहे हैं और हिंदू देवी देवताओं साधु संतों की निंदा कर अपमान कर रहे हैं और फिर क्या होंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ईसाइया ममडन बन जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे। मैं प्रणामी हूँ, इसलिए हमेशा कहता हूँ परमात्मा एक है, उसको पति मानो, उसको सर्वेश्वर मानो, लेकिन प्रणाम सबसे करो, इज्जत सबसे करो, सम्मान सबका करो, ताकि हमारा सनातन जीवित रहे, हमारा धर्म जीवित रहे, सनातन संस्कृति को लोग ढकोसला बोलने लगे, उनको बताओ कि नहीं हमारी संस्कृति हमारा सम्मान माना है। सुदामा मांगते नहीं थे, सुशीला रोने लग गई और जाकर पति से कहा, पतिदेव बच्चे तो अभी सो गए हैं, सुबह क्या करेंगे, ऐसा करो आप मांगते नहीं हो, कृष्ण के पास चले जाओ। सुदामा कहते कैसे जाऊं, खाली आप कुछ होता तो नहीं। सुशीला कहती पहले क्यों नहीं बताया मुझे, आपका जाने का इतना मन है, क्योंकि मैंने कृष्ण की याद दिलाई आप रोने लगे, इसका मतलब आपका जाने का बड़ा मन है। मैं चार घर से चार मुट्ठी चावल उधार लेकर आऊंगी, पतिदेव आपसे पूछ कर लेंगे, आपकी आज्ञा है तो मैं चार घर से चार मुट्ठी चावल ले आऊं, आपकी आज्ञा के बिना मैं एक पैर भी नहीं बढ़ाऊंगा, वापस दे देंगे जब होगा तब। देवी ठीक कर ले आओ, पर चार घर से चार मुट्ठी चावल, क्योंकि कृष्ण को पता लगे एक घर के चावल नहीं है, ये तो मांगे हुए चावल है। और सुदामा चावल के बगल में दबा कर चल पड़े कीर्तन करते हुए, क्योंकि कभी भी यात्रा पे जाओ आप भगवान का नाम उच्चारण करते हुए, जैसे आप गाड़ी में बैठे किसी भी आप वाहन में बैठे, बैठते ही आपको अपने विकार का मंत्र लिया है, उस मंत्र का जाप करें या फिर जो आपके इष्ट हैं इष्ट को याद करें, दुर्घटना नहीं होगी। और सुदामा चल पड़े कहते हुए, श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव का माझी, हो परिवार है, सब तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। हरि जय हरि बोल, अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होती, किसी की बीच भवन में फिर न दरकार होती, अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होती, किसी की बीच भवन में फिर न दरकार होती, अब तो तेरे भी हवाले
सबको तेरे ही हवाले, मेरा दरबार है जहाँ मेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, जहाँ तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, कुछ जब भी पुकारा अपने ही पास आया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, कुछ जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। पूरा परिवार ये मेरा हो, मेरा परिवार है सब तेरे ही भरोसे, मेरा परिवार है तू ही मेरी नाव कमाजी हो, तू ही मेरी नाव कमाजी, तू ही पतवार है सब तेरे ही भरोसे, मेरा परिवार है सब तेरे मेरा परिवार है, सब तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। प्रभु कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी कहते परीक्षित, सुदामा कीर्तन करके चल पड़े, ठोकर लगी गिर पड़े, और सुदामा को बड़ा दुख लगा। पर आज सुदामा ने जरा भगवान से लड़ाई भी, क्योंकि भक्त होता है ना भगवान से लड़ सकता है, तो भगवान से लड़ना भी तो भक्ति ही है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आपको कुछ भी नहीं आता, ना पूजा ना पाठ ना प्रार्थना ना स्तुति ना आरती, तो भगवान के सामने बैठकर मंदिर में बैठकर आप उनसे बातें कर ले, कुछ भी नहीं आता। बातें तो बहुत आती है ना, तो बातें कर लिया करो बस, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जब परमात्मा से प्रेम बढ़ जाता है ना, एक दिन पहले भी कहा था, फिर पूजा पाठ ध्यान सुमरन सब छूट जाता था, फिर तो बातें होती है रूबरू हो जाता। परमात्मा से जब प्रेम हो जाता है, फिर ना प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, ना आरतियों की आवश्यकता है, ना धूप अगरबत्ती दिए की आवश्यकता है। एक छोटा सा बच्चा मंदिर गया, स्कूल बैग लेकर के, पहली बार शायद निकला होगा, 4 साल का बच्चा होगा, भगवान जी के सामने मंदिर में गया और कुछ बोलता रहा। पंडित जी देख रहे थे, बच्चा चला गया। अगले दिन फिर आया सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले, माँ ने सिखा रखा था उसको, पास मंदिर, घर के पास मंदिर था, एक दीवार लगती थी। बच्चा अगले दिन फिर गया, कुछ 5-7 मिनट बोला, फिर निकल गया। पंडित जी सोचा, ये लड़का क्या गाता है, ये लड़का क्या सुनाता है भगवान को, मैं तो सुनू, लेकिन सुनाई नहीं दिया वो बच्चा मन ही मन। चौथे दिन पंडित जी ने फोन कर लिया, बेटा किधर आ, तो यार छोटा सा 4 साल का, तुझे कुछ आरती कोई वंदना कोई स्तुति कोई भजन आता है क्या? बोले ना नहीं आता। तो तुझे कुछ नहीं आता, तो मैं 4 दिन से देख रहा हूँ तो कुछ कुछ बोलता है भगवान के मंदिर में जाकर। लड़के ने कहा, मुझे ABCD आता, मुझे ABCD आता। तो
मैं भगवान जी के सामने चार बार एबीसीडी सुना देता हूँ और भगवान को बोल देता हूँ, भगवान मुझे आरती वंदन कुछ आता नहीं है, बस मुझे एबीसीडी आती है। और दुनिया में जितने भी आरती और प्रेयर है ना, एबीसीडी से बनती है। मैं तो एबीसीडी सुना दूंगा, आप खुद अपने आरती बना के गा ले। आरती जो इनमें से जो पसंद आती है ना, वो आरती बना के आप गा लेना, मुझे तो यही है बस। इतना भोलापन जब जीवन में आ जाए, लेकिन हमें ना भगवान के सामने तो भोले बन जाते, घर में जाके बड़े चला कम को नहीं मैं भगवान के सामने बड़े भोले वाले जैसे कुछ आता नहीं। भोले भोलापन हर जगह होना चाहिए, एक सादगी होनी चाहिए, परमात्मा से प्रेम करने के लिए, भक्ति करने के लिए एक मासूमियत इनोसेंसनेस होनी चाहिए, बस वही 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 है। बाकी धीरे धीरे छूट के जाते छूट के जाएंगे। सुदामा ने भगवान से लड़ना शुरू किया, बोल तुझे मेरी जरूरत तो बुला ले, नहीं तो मैं तो यही सो रहा हूं। सुदामा जी बेहोश होकर गिर पड़े। भगवान ने योग माया को आज्ञा दी, जाओ सुदामा को लेकर। योग माया ने सुदामा को उठाया। शाम हो गई, सुदामा की आंखें खुली, निकली, देखा अरे इतना सुंदर नगर, मैं कहीं स्वर्ग में तो नहीं आ गया? अपने आप को छू कर देख रहे, नहीं नहीं स्वर्ग में तो नहीं, तू तो धरती पर ही, लेकिन मैं कहां आ गया? लोग जा रहे थे, कहा भाई ये कौन सा नगर है? लोगों ने कहा द्वारकापुरी। द्वारकापुरी? अरे अरे मित्र इधर आओ, ये मेरे मित्र कृष्ण की द्वारका है ना। लोगों ने ताना मारा, लगता है ये ब्राह्मण भिखारी पागल हो गया, कृष्ण को अपना मित्र बता रहा, तन पे नहीं लगता, चाल पड़ा कलक लगता, अपना हालत देखे, अपने चेहरा देखा, अपना ये कपड़े देखे, कृष्ण को मित्र बता रहा। सुदामा ने सोचा नहीं जाना चाहिए, ज्ञान में अभिमान होता है, सुदामा ज्ञानी भी है, वापस चल सुदामा, नहीं जाऊंगा। लेकिन ज्ञान का प्रभाव समाप्त हुआ, भक्ति का प्रभाव आया। सुदामा ने कहा हाँ भिखारी है, बस अंतर इतना है मैं दुनिया का भिखारी नहीं, दुनिया की चीजें मांगने नहीं आया हूं मैं, न तो भौतिक सामग्रियां मांगने आया हूं, धन दौलत मांगने नहीं आया, मैं तो कृष्ण का दर्शन करने आया। और सुदामा की आंखों में आंसू आ गए, कहा चलो मैं द्वारकापुरी तो पहुंच गया, जैसे तैसे आके पहुंच गया। और सुदामा ने अपने जो द्वारकापुर वासियों से कहना शुरू कर दिया, ये द्वारका के लोगों मुझ पर आंसू मत, भले ही मैं फट्टे में कपड़े पहनकर आया, भले ही मैं दुबला पतला हो, लेकिन मैं अंतर से बहुत अमीर हूं। अमीर क्यों? क्योंकि मेरे पास कृष्ण के नाम का मंत्र है, खजाना है, और कृष्ण के मंत्र के खजाने से बढ़कर कोई खजाना इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। मेरे पास कृष्ण है और मैं बड़ा अमीर हूं, और कहना शुरू कर दिया, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली की सेवा करते हुए हरि बोल। ये पीछे का बहुत बहुत सक्यू है, काली की सेवा इधर वाले इधर हो। Oh,
यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना मनमोह है तेरा दीवाना गाऊं, बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना शाम सलोने दिल तेरा री जमार है, शाम सलोने दिल तेरा री जमार है, श्याम सलोने तू मेरा है, का मोहन को दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, वो काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है, Thank you.
ये जीवन तेरे नाम दिया है, ये जीवन तेरे नाम दिया है, ये जीवन तेरे नाम दिया है, उसको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम दिया है, ये जीवन तेरे नाम दिया है, ये जीवन तेरे नाम दिया है, अब तो बस तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही प्यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हम भक्तों को बस तुझसे ही प्यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली वाला मेरा प्यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, भक्त भगवान की जय। एक दयालु को दया आ गई, कृष्ण के महल का पता बता दिया, सुदामा लट्ठी के सहारे दुबले पतले ब्राह्मण कृष्णाय बदन, कई दिनों के भूखे बड़े कृष्ण को याद करते करके कृष्ण कृष्ण करते करते कृष्ण के महल में प्रवेश कर रहे हैं, द्वार द्वार पालन रोक लिया, रोको महाराज ब्राह्मण अंदर जाकर क्या करोगे, बैठो यहाँ हमारा अतिथि स्वीकार करो, जलपान करो। सुदामा बैठ गए, जलपान करवाया, कौ भरा भिक्षा ला कर दी, अनाज वस्त्र, सुदामा गर्दन हिला रहे, मुझे नहीं चाहिए, हीरे मोती जवाहरात बहुमूल्य उपहार दे रहे हैं, बोलो ब्राह्मण क्या चाहिए। सुदामा कहते मुझे कृष्ण से मिलना है, द्वारपाल ने सोचा ये लालची ब्राह्मण है, सोचता है हमारे भगवान से उससे मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, मिलने के बाद ज्यादा मांगना चाहता होगा, कब कब ये पंडित जी महाराज आप कहो मुख से हमारे प्रभु की आज्ञा है, दरवाजे पर आने के बाद जो मांगे उसको देना है, आप आज्ञा तो करो। ब्राह्मण ने सोचा सुदामा ने कृष्ण की दोनों द्वारपाल कितने विनम्र है, कितने सरल है, कितने प्रेम से बोलते हैं, और जैसा मालिक होता वैसे नौकर होते हैं, कृष्ण की विनम्रता इनकी वाणी से झलक रही है, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण से मिलकर मैं निकल जाऊंगा। द्वारपाल को दया आ गई, अंदर जाकर का प्रभु दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है आपसे मिलने के लिए, कृष्ण का ब्राह्मण को दे दो जो चाहिए, नहीं महाराज कुछ लेता नहीं है, अच्छा कौन है, क्या नाम है, और कहा महाराज, अच्छा एक बात पूछूं, जब कृष्ण पोरबंदर से सुदामा को द्वारकापुरी ला सकते हैं तो क्या उनको पता नहीं दरवाजे पर सुदामा आ चुके हैं, पता है, लेकिन कृष्ण नाटक कर रहे हैं, क्या कृष्ण की रानियां पटरानियां माता पिता भाई बहन सबको ये लगता कि हम तो कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, लेकिन आज तक कृष्ण ने ये नहीं बताया कि वो सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं, रुक्मणी को करते हैं, सत्यभामा को करते हैं, देवी की मैया को करते हैं, वसुदेव को करते हैं, बलराम भैया को करते हैं, किसको करते हैं, आज तक कृष्ण ने ये नहीं बताया कि वो सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं, और आज बताने का मौका मिल गया। कौन आया दरवाजे पर, महाराज पूछ दीन दयाल राम बतावत आपनो नाम सुदामा, सुदामा नाम के ब्राह्मण आए, कृष्ण कहते सुदामा आए, जोर से चिल्लाए ताकि सबके कानों में आवाज पड़ जाए कि कोई सुदामा है जिससे कृष्ण बड़ा प्रेम करते हैं अपने भक्त, कृष्ण सुदामा सुदामा चिल्लाते हुए बाहर दरवाजे की ओर दौड़े, खड़ा उठा ही चटक गई, वस्त्र कहीं अटक गया, कहीं मुकुट कहीं गिर गया, और सभी रानियां पीछे पीछे कृष्ण
जैसे दौरा पड़ गया पागल पर का सुदामा सुदामा चिल्ला में दौड़ पड़े एक डोडी पार की दूसरी डोडी पार की तीसरी डोडी पार की और सातों डोडी पार करके मुख्य दरवाजे पर जाकर सुदामा को गले से लगा सुदामा का अंक माल कर लिया। रानी पीछे पीछे दौड़ी लगता है कोई बहुत बड़े देश का सम्राट राजा आया लेकिन बाहर दरवाजे पर जाकर देखा तन पर पूरी धोती भी नहीं दुबला पतला लेकिन एक तेजस्वी ब्राह्मण आया और कृष्ण सुदामा से लिपट कर रोने लगे। सुदामा बड़े दिनों के बाद आए आओ आओ अंदर चलो महल में अपने सिंहासन पर बैठा दिया। रुक्मणी जाओ पानी प्रात लेकर आओ आज मैं अपने हाथों से सुदामा के चरणों को धोऊंगा। आज तक कृष्ण ने किसी भी संत ब्राह्मण के चरणों को नहीं धोया और आज सुदामा के चरणों को धोने के लिए तत्पर हो गए। रुक्मणी पानी प्रात लाने में देरी कर देती है। रुक्मणी को पानी प्रात लाने में देरी हो गई लेकिन कृष्ण से रुका नहीं गया। चरण धोने के लिए कृष्ण के आंखों से आंसू बह पड़े। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरणों पर धो दिया। सुदामा का अंतर धो गया। 56 तरह का व्यंजन तैयार कर लिया रानी ने भोजन करा रहा है सैया पर सुला दिया। सुदामा ठीक ठाक कहे चरण दबा रहे हैं भाभी ने कुछ नहीं भेजा क्या। सुदामा सोच रहे जब अंधेरा हो जाएगा सब जब रात हो जाएगी सब रानियां अपने अपने रूम में जाके सो जाएंगी फिर मैं कृष्ण को चावल दे दूंगा इनके सामने तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी। लेकिन रानियां हैं वो जा ही नहीं रही है और कृष्ण है अब मुझे लगता बेशर्म करके माने चावल की पोटली दबा रहे छुपा रहे हैं। कृष्ण कह रहे निकालो चावल की पोटली बगल से छीन ली। सुदामा इसमें तुम्हारा बिल्कुल हक नहीं याद है ना गुरुकुल में पढ़ते समय गुरु माने चने दिए थे हम दोनों को जंगल भेजा था लकड़ियां लाने के लिए और बारिश हो गई बारिश सर्दी लगने लग गई हम दोनों को एक पेड़ के नीचे छुप कर बैठ गए। मैंने कहा सुदामा भूख लगी है गुरु माने कुछ दिए है क्या तूने मना कर दिया था और कुछ देर के बाद तू चने निकाल कर खाने लग गया। मैंने कहा सुदामा तेरे दांत बज रहे हैं भाई कुछ खा रहा था पक्का गुरु माने दिया होगा तो तूने कितने झूठ बोला था सफाई के साथ नहीं खाने के लिए गुरु माने कुछ नहीं दिया ये तो ठंड के मारे दांत बज रहे हैं। कितने वर्षों तक तेरे दांत बाजे क्योंकि मेरे हिस्सा तो मेरे हिस्से को तू खा गया था उसमें तुम्हारा तो कुछ भी लेना देना नहीं है। सुदामा जो दूसरों का हक खा जाता है अगले जन्म में भिखारी बनता है मैं तुझे जन्म जन्म तक भिखारी नहीं रहने देता। चावल चावल पोटली छीन ली एक बुट्टी खा गए ये द्वारका पुरी सुदामा को दिया दूसरी बुट्टी खा गए ये स्वर्ग राज्य सुदामा को दे दिया तीसरी बुट्टी खाने लग गए। रुक्मणी ने हक पर कर लिया प्रभु आप ब्राह्मण को ये कहोगे कि लक्ष्मी को ले जाओ आपको पता है ना ब्राह्मणों से लक्ष्मी नाराज है। यही सुदामा सुदामा के दादा भृगु ने भगवान के छाती पर लात मारी थी तभी मैंने प्रण कर लिया मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं जाऊंगा। कहते हैं रुक्मणी मेरा हाथ छोड़ मैं सारे नियम सारे के सारे जो जो वचन है तोड़ सकता हूँ लेकिन भक्तों को नहीं छोड़ सकता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा अपने नियम भले चले जाए पर भक्त के नियम रुक्मणी क्योंकि रुक्मणी लक्ष्मी के अवतार है। सुदामा चाहता तो दो मुट्ठी चावल बच्चों के लिए छोड़ सकता था लेकिन सब कुछ मेरे लिए आया घर में बच्चों की परवाह नहीं की मेरी परवाह घर में घरवाले की परवाह नहीं परिवार की लेकिन उसको मेरी परवाह है और जो इस तरह मेरी परवाह करता है जो मुझ पर इस तरह समर्पित हो जाता है ऐसे भक्तों के लिए तो लक्ष्मी क्या चीज है। मैं स्वयं भक्तों के पीछे पीछे चिंता रहता हूँ एक कृपा दृष्टि पाने और दो मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को तिरुपति का राजा बना दिया। और सुदामा जैसे ही शाम को रात्रि को सो गए प्रातःकाल होते ही चलने की तैयारी करने लग गए। क्या रुको जा रहे हो तो कुछ प्रणाम आशीर्वाद दे दो रानियों को
सब रानियां आ रही हैं। सुदामा स्वागत भावा, स्वागत भावा, स्वागत भावा। बैंड में दर्द हो गया, 100 बार किया 200 बार किया। कृष्ण कहते ब्राह्मण मन से आशीर्वाद दे देगा तो भी चलेगा। सुदामा ने ऐसे झुककर देखा, लाइन तो लंबी लगी है। कृष्ण इधर आना, ये मोहल्ले वाली भी आ गई क्या? कहा मोहल्ले वाले तो बाद में आएगी, घर वाले कितनी है? 16,108। सुदामा का बाप रे बाप, मेरे घर में तू एक थी, उसने टिकने दिया। कृष्ण तू कैसे रहता है इनके बीच में? कहा तेरे जैसे संतों की भक्तों की कृपा है, हमारा दाम तक बड़ा सुंदर चल रहा है। 16,100 रानियां हैं कृष्ण की। एक बात आप क्लियर कर ले, मैं कई जगह पढ़ लेता हूँ सोशल मीडिया में, श्री कृष्ण की 16,100 गोपियां थी। गोपियां तो छोड़कर आए वृंदावन में, ये भौमासुर की कैद से राजकन्याओं को मुक्त करवाया और सभी राजकन्याओं से कहा उस असुर की कैद से तुम मुक्त हो गए, घर चले जाओ। लेकिन कोई भी राजकन्या घर नहीं गई। कृष्ण हम घर चले जाएंगे, या तो पहले बार माता पिता नहीं अपनाएंगे, माता पिता ने अपना भी लिया, कोई भी युवा हमसे विवाह नहीं करेगा। क्यों? सीता जैसे सत्वंती को लोगों ने उनके चरित्र पर संदेह किया, हम तो साधारण स्त्रियां हैं, हम मर जाए आत्महत्या कर ले जहर पी लेंगे। कृष्ण कहते नहीं, तो सब रानियों ने कहा हम आपसे विवाह करना चाहते। फिर अब भगवान भगवान के लिए एक विवाह दस विवाह कितने भी विवाह हो जाए। तब कृष्ण ने अपने आठों पटरानी से आज्ञा लेकर 16,100 राजकन्याओं से विवाह किया। ध्यान देना, गोपियां नहीं थी, राजकन्या। सुदामा चल चल जाते जाते वो जितना भी सामान आया था सुदामा के हाथ से दान करवा दिया। फटी से धोती पहन कर आए थे वो भी दे दी भाभी को। सुदामा मन में सोचा भाभी को ही फटी धोती, ये तो पहन के ही आया था। अब सुशीला को कुछ नहीं दिया तो बहुत गुस्से में हो जाएगी, क्योंकि सुशीला ने तो इस उम्मीद से भेजा था द्वारकापुरी कि बहुत कुछ लेकर आएंगे, लेकिन जैसा आया था वैसे ही चला गया। सुदामा ने मन में सोचा क्या जवाब दूंगा, आपके पति देव बाहर गए हो परदेश कमाने के लिए, 5-7 साल के बाद आए, खाली हाथ आ जाए तो गुस्सा आएगा क्या? जल्दी थी आने की, हमके मर रहे थे, 2-4 साल और लगा। और आ जाए पति 5-6 साल के बाद कक्ष से उतरे, 5-6 सूटकेस हो, 5-6 बड़े बड़े बैग हो, तो पत्नी की टोन बदल जाती, टोन ही बदल जाती, जी थारा गुरु जी को लागू बहुत याद। हाँ, क्योंकि मतलब का व्यवहार साथी मतलब के खाली हाथ आ जाए तो फिर पति का जीना भी मुश्किल हो जाता है। अब सब सुदामा ने सोचा मेरे तो मुश्किल हो गई। अचानक सासरे का महाराज उठो, सुदामा पूरी आ गई। सुदामा उठे, यहाँ तो होती मेरी छोटी सी झोपड़ी कंचन मेरे खड़ी, भाई ये क्या हुआ? ऊपर से सुसरंग देख लिया, दौड़कर नीचे आई, पतिदेव प्रणाम। सुदामा ने धीरे से देखा, देवी तू कौन? रात भर में टोल बदल गया सुशीला, नई साड़ी चका चक, और वो कई बार ब्याह शादी में माताएं बहने जाते हैं, गुरु जी पहचाना क्या? वो इतना सारा पता नहीं क्या क्या लगा लेती है। सुशीला तू पहचाने में नहीं आ रही सुशीला, तू कौन है? आपकी सुशीला मरकर भूतनी तो नहीं बन गई थी? ऐसी तो नहीं थी महाराज, मैं दीदी जानती हूँ। ये सब कैसे हुआ? आप चले गए, मैं रोते रोते सो गई, विश्वकर्मा जी ने मुझे जगाया और कहा सुशीला तुम्हारे पति द्वारकाधीश के शरण पहुंच गए हैं, और किम कृष्ण की आज्ञा से तुम्हारी झोपड़ी को मैंने महल बना दिया। पतिदेव केवल अपना ही नहीं, अपने झोपड़ी को महल नहीं बनाया, भगवान ने जिन 4 दर्शन में 4 मुक्ति चावल लेकर आई थी ना, उनका घर भी महल बना दिया। भगवान कहते हैं मैं भक्तों की सहायता तो करता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्तों की सहायता करता है उसकी भी मैं सहायता करता हूँ। जो मेरे भक्तों से प्रेम करते हैं, जो मेरे भक्तों से स्नेह रखते हैं, जो मेरे भक्तों को आदर्श मान सम्मान करते हैं, मैं उनका भी घर भर देता हूँ। कृष्ण ने कृष्ण अहिता की कृपा कर दी, बिना बात कृपा करने वाला कोई है ना? उनको सवा मणि चाहिए ना, उनके लिए पैदल यात्रा करने चाहिए ना, कोई भोग चाहिए ना, कोई सामग्री चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, एक चीज चाहिए कृष्ण। आप घर परिवार में जहां भी रहते, काम करते हुए, गोबर भारी करते हुए, खेती का काम करते हुए, उनको प्रेम करना है। सवा मणि भी नहीं चाहिए, प्रसाद नहीं चाहिए, दूध नहीं चाहिए,
कुछ नहीं चाहिए, न लड्डू का भोग कुछ नहीं, प्रेम चाहिए। कष्ट कहते हैं जो मुझसे प्रेम करता है उसी को मैं कृपा करके सुदामा की तरह माला माल माला देता हूँ। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए अब पवित्र महाराज से आग्रह की दो चार शब्द बोलेंगे और उसके बाद अब जल्द ही परीक्षित की परमागति और भागवत की प्रणोत्तम केवल 10 मिनट का प्रसंग और है। इस प्रसंग के बाद हम आज की कथा को विराम देंगे। पूर्णाहुति तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि पूर्णाहुति होने के बाद ये कथा होती ही नहीं। अब कल से हमारी यात्रा है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर भागवत कथा 5 तारीख से 11 तक जम्मू कश्मीर में है और उसके बाद सीधे ही 14 से 20 अप्रैल फरीदाबाद में है और फिर बहुत जल्दी आपके नजदीक आ रहा हूँ 22 से 28 अप्रैल इसी महीने में आ रहा हूँ हिसार में संत नगर में बिना जाम वाली गली में श्रीमद भागवत कथा करने के लिए। एक सूचना और दे रहा हूँ, अब तक मैं नहीं दे पाया, आज दे रहा हूँ। अंतिम दिन बद्रीधाम की यात्रा पर भी जून में बद्रीनाथ में 200 जनों को ले जाने की व्यवस्था है, वहाँ पर भागवत कथा है और ये समस्त कार्यक्रम के आयोजिका मुन्नी बाई सुशीला महाराज हैं, वो करवा रही है। मैं कथा करने जा रहा हूँ वहाँ के लिए भी जो जाना चाहते हैं बद्रीधाम मुझसे मिलना और उसके बाद नवंबर में अयोध्या धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। अयोध्या रामलला के दर्शन करने और वहां पर भागवत कथा करने के लिए 4 नवंबर से 10 नवंबर तक दिवाली के 3 दिन के बाद अयोध्या धाम की यात्रा पे जा रहा हूँ। जिनको भी चलना हो टिकट बनेगी जून में, तो जून के महीने में आप टिकट बनवा लेना। आइए साधवी पवित्र महाराज बोले कृष्ण कन्हैया लाल सतगुरु महाराज की। हाँ जी, कुछ 43 जनों के नाम आए हैं, मैं बताना चाहूंगी। 500 रुपए कांता सत्ता कल्याण कॉलोनी, 1100 रुपए गुप्तदान, 1100 रुपए बलवीर सुथार सुरभ सुल्तान सुथार, 500 रुपए बलवंत सुथार उर्फ पप्पू, राजबाला सिंगर 1100 रुपए, प्रेमपाल ठाकुर 1100 रुपए, ओम प्रकाश राखा 2100 रुपए, अमर सिंह रबारी 500 रुपए, बुद्धराम सुनो रत्ना राम लूणा 500 रुपए, मथुराम लूणा 500 रुपए, हंसराज लूणा 500 रुपए। और आज पायल गांव में अभी थोड़े दिन पहले मेरी भागवत कथा हुई थी, तो पायल गांव से सरपंच श्री रामप्रत जी नागर, श्री अजीत जी जागरा, श्री धर्मपाल जी पायल, श्री रामवीर जी पायल सभी आए हैं और गुरु महाराज जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। स्वागत है पायल वालों का, 7 दिन इंतजार करवा के आए। और गेहूं का दान आप लोग लिखवा चुके हैं और मैं बता चुकी हूं, तो आप सब अपनी गेहूं का दान भी तैयार रखिएगा, नई फसल आने पर आपसे गेहूं उठा ली जाएगी। और अभी 7 अप्रैल को अपने घर है, पहले गुरुवाणी का पाठ पारायण पाठ होगा और उसके बाद फिर सत्संग और उसके बाद लंगर भंडारा पूरे गांव का। आप सभी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, पाठ में भी भाग लेंगे, सत्संग भी सुनेंगे और भंडारे में सेवा भी करेंगे। और भंडारे की सेवा के लिए 11,000 रुपए मनोज टाक जो हमारे मध्य बैठे हैं दे रहे हैं। और जो हलवे का प्रसाद बनेगा उसमें जितनी भी सूजी लगेगी, चीनी लगेगी, ड्राई फ्रूट लगेगा, श्री राजा राम जी गोदारा दे रहे हैं। और भंडारे में अब और जो भी सेवा है, जैसे कि आटे की सेवा है, जितना भी लगेगा श्री विजय रबारी जी की तरफ से होगा। और बाकी जो सेवाएं हैं, जो भी कुछ आप देना चाहें आप मेरे पास आकर लिखवा सकते हैं। और आइए अभी थोड़ी कथा बाकी है, गुरु से कथा सुन लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो वृंदावन बिहलाल की। सुखदेव जी कहते परीक्षित, एक बार कुछ ऋषि मुनि गोमती नदी के किनारे द्वारकापुरी के पास तीर्थ यात्रा के लिए आए। उन संतों को देखकर श्री कृष्ण के जब पुत्र और पुत्रादि थे,
उन्होंने संतों के साथ मजाक करने की चेष्टा की, और मैंने पहले भी कहा था तीन जनों के साथ कभी मजाक नहीं करना चाहिए, अग्नि जल और संत। अग्नि के साथ मजाक नहीं, जल के साथ भी मजाक नहीं, साधु के साथ। लेकिन यादवों ने, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय होता है ना तब बुद्धि बिगड़ जाती है। एक सांब नाम का युवक था, उसको साड़ी पहनाई, पीठ पर कपड़ा बड़ा सा बांधा, और संतों से जाकर मजाक किया, महाराज जरा बताने से बहन को लड़का होगा या लड़की होगी। संत ने कहा मूर्ख हो, जिस यदुवंशी कुल में श्री कृष्ण और बलराम जैसे अवतारी महापुरुष हुए हैं, उनके आप तुम जैसे दुष्ट भी पैदा हुआ है, लगता तो मैं अपने शक्ति का धन का मद चढ़ गया, अभिमान हो गया है, न लड़का न लड़की, इसमें यदुवंशियों का नाश होने वाला एक मुसल पैदा हुआ है। लड़के घबरा गए, अपने घर में आए, साड़ी उतारी तो कपड़ों के बीच में एक लोहे का टुकड़ा निकला। लड़कों ने जाकर अपने दादा वसुदेव जी से कहा, दादाजी हमसे गलती हो गई, हमारे पिताजी को कष्ट को मत बताना, तो बहुत क्रोधित होंगे, बहुत बड़ी सजा देंगे, हमने ऐसी गलती कर दी है, अब इसका उपाय क्या करें। वसुदेव जी ने वो जो लोहे का टुकड़ा था उसको समुद्र के किनारे ले गए, पत्थर पर घिस दिया उसको, और घिसते घिसते चूर्ण बन गए, चूर्ण को फेंक दिया समुद्र के अंदर, एक छोटा सा टुकड़ा रह गया जिसको घिसा नहीं गया, उसको फेंक दिया, उसको मछली निकल गई। वो जो लोहे के चूर्ण बने, वो चूर्ण समुद्र के अंदर एक जहरीली झाड़ियां बनकर उग गई, बड़ी घनी झाड़ियां बन गई, लोहे की चूर्ण और मछली को पकड़ लिया एक जरा नामक व्याध ने, पेट को चीरा, लोहे का टुकड़ा निकला, अपनी तीर की नोक में लगा लिया। यादवों ने प्रभास चक्र में शराब पी, और शराब पीकर आपस में लड़ने लग गए, हथियार तो घर पर रखे थे, वो समुद्र के किनारे जो जहरीली घास उगी हुई थी उठा उठा कर मारने लग गए, और सारे के सारे यादव, 56 करोड़ यादव उस समय सबके सब नष्ट हो गए। एक दूसरे को मारते हुए श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, उसी समय उद्धव कृष्ण का बाल भी बाल सखा आए। इधर देवी देवता ने प्रार्थना की कृष्ण से, हे प्रभु अब आपका आने का जो प्रयोजन था वो पूरा हो गया, धरती पर आने का, आप अब स्वधाम पधारिये। श्री कृष्ण 125 वर्ष के हुए, श्री कृष्ण धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उद्धव ने कहा मैं भी चलूंगा आपके साथ। कृष्ण कहते जीव अकेला ही आता है, अकेला चला जाता है, फिर उद्धव ये जीव को परमागति की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है, ये जीव 84 लाख योनियों में भटकने से यदि बचना चाहता है गुरु की शरण में जाए, और गुरु जो रास्ता बताए उस रास्ते पर चलकर वो परम तत्व को प्राप्त कर सकता है, परम धाम को प्राप्त कर सकता है। इसलिए तुम्हें गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु मेरा भावा नहीं देता रही न कोई, चाहे शिव विरुद्ध सम हो। तब बुद्ध ने कहा कृष्ण मैंने सुना है, मैं और कहां जाऊं, अब इस दुनिया में सबसे बड़े गुरु तो आप हैं, कृष्ण वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु हैं आप, मैं भी आपके आशीष से बनना चाहता हूँ। आज तक मैं मित्र समझता था, लेकिन अब आप मेरे गुरु, मैं शिष्य। और उद्धव ने कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार किया, और कृष्ण ने ब्रह्म ज्ञान दिया उद्धव को। उद्धव गीता के रूप में हमारे भागवत में चैप्टर है, और कहा उद्धव अब तुम बद्री धाम चले जाओ, साधना करो। पहलिया जरा नाम का वो तीर जिसमें लोहा लगा रहा था वो टुकड़ा, क्योंकि कृष्ण भी तो यदुवंशी है ना, ऋषियों का श्राप कृष्ण को भी अपने ऊपर लेना था। कृष्ण के चरण हिरण के कान समझकर पहली ने दूर से बाण मारा, कृष्ण का चरण लहू लुहान, कृष्ण के चरण को वेद दिया। तीर ने बहलिया रोता रोता कृष्ण से माफी मांगता था, प्रभु गलती हो गई, मुझे नहीं पता था आप। कृष्ण कहते हैं ये सब कर्मों का बंधन है, कर्मों का भोग सबको भोगना पड़ता है। पिछले जन्म में तुम बाली थे और राम नाम पर मैंने चुप कर बाण मारा, और इस जन्म में
वही बाली जरा नामक याद कर आए हो, पर तुमने अपने छुपकर बाण मारने का जो है वह बदला ले लिया। भाई ये तो कर्मों का बंधन है, तो जैसा कर्म करता है सब सब भोगना पड़ता है। और व्याध को अपने साथ लेकर कृष्ण स्वधाम चले गए। सुखदेव जी के परीक्षित श्री कृष्ण के धाम जाने के साथ ये भागवत की कथा पूर्ण होती है। पीछे से जब वसुदेव को पता चला कृष्ण धाम चले गए, वसुदेव को बड़ा दुख लगा। और उस समय वसुदेव को ज्ञान देने के लिए भगवत प्रेरणा से लोग कवि पहुंच गए, और उन कवियों ने वसुदेव को भक्ति का भेद बताया, धर्म का भेद बताया, और परम तत्व में लगाकर वसुदेव जी भी इधर जब पता चला बलराम भैया को कि या तो आपस में लड़ लड़ कर मर गए वसुदेव जी ने, बलराम भैया ने जल में समाधि लेकर अपना प्राणांत कर दिया, सारा का सारा यदु वंश समाप्त हो गया। क्यों? संत का अपमान। और इधर परीक्षित ने भी एक संत का अपमान किया, एक मरा हुआ सांप परीक्षित के गले में डाला, और राजा परीक्षित को भी सांप के दिल में दुख का सांप लगा। सुखदेव जी ने कहा तक्षक चल पड़ा तुम्हें डसने के लिए, सब कुछ भूल जाओ, जितनी कथा थी भूल जाओ, केवल एक मंत्र याद रखो श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण का मंत्र जिसको मिल गया वो पार हो गया, वो उसका उद्धार हो गया। मैं जा रहा हूं, सुखदेव जी ने कहा, पर श्री का गुरुदेव ने 5 मिनट किए, अभी श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं, मुझे बुला रहे हैं, आओ आओ, परीक्षित मैं तुम्हें लेने आया हूं। लेकिन हे गुरुदेव, आप नहीं मिले होते तो कृष्ण बुलाने नहीं आते, मुझे बुलाने के लिए यम के दूत आते। गुरु मिले तो भगवान आए हैं, आप नहीं मिले होते तो यम के दूत आते। हे गुरुदेव, मैं भगवान के पास बाद में जाऊंगा, पहले मैं आपकी वंदना करना चाहूंगा। और गुरु गोविंद दोनों खड़े कहां के लाल लौटाएं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद बताए। और गुरुवंदना गाते हुए परीक्षित, आइए हमें परीक्षित के साथ गुरुवंदना के दो शब्द कहें। आपका जाना पहचाना भजन है, मुझे कई लोग बोले इस बार क्यों नहीं सुनाया। आइए, सतगुरु में तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छटीना मैं कटी जावांगी, बाबा डोर हथो छटीना मैं कटी जावांगी, अवचल तकती जावांगी, अवचल तलुती जावांगी, अवचल तकती जावांगी, अवचल तलुती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, हो बाबा मैं तेरी पतंग, बड़े मुश्किल से डर मिलया मैं तेरा दवारा है, बाबा तेरा दवारा है, बड़ी मुश्किल तेरा दवारा है, बाबा तेरा दवारा है, जिंदगी को तेरा आसरा नर तेरा सहारा है, बाबा तेरा सहारा है, जिंदगी को तेरा आसरा नर तेरा सहारा है, बाबा तेरा सहारा है। गुण तेरे ही रोसे, गुण तेरे ही रोसे, आवाज छोड़ती गावांगी, आवाज छोड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छटीना मैं कटी जावांगी, बाबा डोर हथो छटीना मैं कटी जावांगी, बाबा जी मैं तकती जावांगी, बाबा जी मैं तलुती जावांगी, बाबा जी मैं तकती जावांगी, बाबा जी मैं तलुती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग।
ताली के साथ खुशी के साथ झूमते हुए कह दो आप ही जहो पेटा लावी ना ऐसे झूठे जगते अंदर मेरा पेटा लावी ना बाबा पेटा लावी ना जगते गई तस्करू जगते गई तस्करू ऐसी जवानी अब चलोगे जवानी ये बाबा तो हर दो छी ना मैं कटी जवानी ये बाबा तो कटी जावांगी अबज में तलती जावांगी सतगुरु मैं तेरी पतंग हो बाबा मैं तेरी पतंग सतगुरुदेव भगवान की जय। परीक्षक ने गुरु वंदना की, सुखदेव जी आशीर्वाद देकर चले गए। तक्षक ब्राह्मण का वेश बनाकर परीक्षक को डस डस चल पड़ा। ऋषि के श्राप अनुसार जन्मे जने अंदर जाने से मना कर दिया। एक कीड़ा बन गया, माला में जाकर बैठ गया। और जैसे जन्मे जने अपने पिता के गले में वर्मा ये फूलों की माला डाली, उसी समय तक्षक सांप बनकर राजा दक्षित के गले में बैठ गया और परीक्षित को डस लिया। ऋषि का सांप पूरा हुआ। 88,000 ऋषि मुनियों को निमिषारण्य में शुद्ध जी महाराज कह रहे हे सुनकर ऋषियों, तक्षक से डसने से पहले ही राजा परीक्षित परमागति को प्राप्त हो। ये पहला इतिहास है जो सांप के डसने से एक व्यक्ति की सदगति हुई हो।
क्योंकि सांप के डसने से जो मरता है उसको अकाल मृत्यु कहते हैं, उसकी आत्मा भटकती रहती जीव आत्मा। लेकिन राजा परीक्षित श्रीमद भागवत की कृपा से, गुरु कृपा से अदगति में जाकर सदगति को प्राप्त हो गए और श्रीमद भागवत की इतनी बड़ी महिमा को शुद्ध जी महाराज सुना रहे हैं 88,000 ऋषि मुनियों को। इसी के साथ भागवत कथा तो पूर्ण करता हूँ मैं। आइए प्रथम और अंतिम श्लोक मेरे साथ साथ बोलेंगे, सब हाथ जोड़कर बैठे और बोले सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। अंतिम श्लोक नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनाश, प्रणामो दुख समनाश तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय, भारत माता की जय, गौ माता अपने गुरुदेव की जय, सत्संग श्री मंगलदास जी महाराज की जय, गुरुदेव श्री दयालदास जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधावर कृष्ण चंद्र की। सबको बोलना होगा बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़े जोर से प्रणाम जी, फिर से बोले प्रणाम जी। इन साथियों ने कोई गलती हुई हो मेरे शब्दों में, जाने अनजाने में कोई अपशब्द या कोई ऐसे शब्द कहे गए हो जो दिल को ठेस लगे हो, क्षमा प्रार्थना हूँ। मेरे इष्ट राज श्यामा जी कृष्ण विराजमान है, माफी चाहूंगा। मैं सभी संतों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ पर बैठकर हौसला बढ़ाया, संतों का आशीर्वाद मिला और अपनी शुभकामनाएं दी। मैं सभी मेरे संगीतकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुंदर संगीत से इस कार्यक्रम को और संगीत में बनाया और विशेषकर साध्वी पवित्र महाराज को जिन्होंने ये समस्त कार्यक्रम का बोझ अपने कंधे पर लेकर अपने सहयोगियों के साथ, महिला मंडल है, भाई विजय है और भी बहुत सभी ने गाँव वासियों ने सहयोग किया है, मैं धन्यवाद और विशेष कर गंगवा की माताओं का, बहनों का, भाइयों का, युवाओं का, छोटे छोटे बच्चों का। मैं देख रहा था कई बार छोटे छोटे बच्चे गोद में, तीन तीन चार साल के बच्चे 12-12 वर्ष तक बैठे रहते थे यहाँ पर कथा सुनने के लिए। ये संतों की भूमि है, भक्तों की भूमि है, इसी तरह आप प्रेम बनाए रखिएगा, आपस में हमेशा प्रेम से रहे। एक लाइन में जो एक जाते जाते एक भिक्षा में आपसे अवश्य लूंगा, एक मैं दक्षिणा आपसे अवश्य लूंगा और मुझे उम्मीद है मेरी झोली खाली नहीं भेजोगे आप, मुझे उम्मीद है आप दोगे, बस एक एक भिक्षा। कौन सी? मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना, संतों का ये कहना। मिलजुल के प्यार से तुम
रहना रहना संतों का ये कहना संतों का और ये क्या करना है मीठा मीठा सबसे बोलना मीठा मीठा सबसे अपने बोलो मिखोलना रसी अपने बोलो मिखोलना कटु वचन हो सके तो सहना सहना संतों का ये कहना संतों का कट्टू वचन बोलने वाला अपना जहर नहीं छोड़ेगा लेकिन हमें क्या करना है कट्टू वचन सहने की आदत डालना कट्टू वचन हो सके तो सहना सहना संतों का ये कहना ओ संतों के मिलजुल के प्यार से तुम रहना रहना संतों का ये कहना ओ संतों का ये कहना कि संतों का ये कहना संतों का संतों का ये कहना संतों का ये कहना ये भिक्षा आप सुंदर सासा गंगवा वासी मुझे देंगे आपस में प्रेम से रहे आपस में ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली ये सब त्याग कर एक कर रहे बस ये मुझे भिक्षा अवश्य देंगे आप और इसी के साथ मैं विराम देता हूँ अपनी कथा को फिर जल्दी मिलके रहेंगे कैमरे में आश्रम सभी को पता है अभी अनाथ बच्चों के साथ साथ वृद्ध आश्रम भी वृद्धों को रखना शुरू किया है कोई भी ऐसा वृद्ध आपके नजर में मिल जाए जो अकेला हो दुखी हो वृद्ध वृद्धाएं उनकी मैं सेवा करूंगा मेरे पास छोड़ पाना और बच्चे आज जब हम जन्मदिन मना रहे थे उस समय आज आश्रम में तीन बच्चे और आए जो अनाथ आज उनका एडमिशन ऐसे बच्चे वहां पर रह रहे हैं सेवा कर रहे हैं बच्चों का जन्मदिन हो एनिवर्सरी हो कोई विशेष दिन हो आप वहाँ पर भंडारा दे सकते हैं आप वहाँ पर जाकर बच्चों की किताबें कापियां पुस्तकें स्टेशनरी आप कुछ भी दे सकते हो आया करें कुछ नहीं देना हो तो समाधि विष्णु से बनी है हमारे पूज्य महाराज जी की वहाँ पर जाकर जो अमावस्या को जो प्रणाम करता वहाँ पर जाकर क्योंकि हमारे पूज्य महाराज जी ने अमावस्या की समाधि दी थी और मावस को वहां पर जाकर जो भी दीपक जलाता है परिक्रमा लगाता है मैंने कई लोगों के रोग हटते देखे सत्य बीमारियां डॉक्टर से दवाई खा खा कर जो परेशान थे उस समाधि पर प्रणाम करने मात्र से बीमारी ठीक होती है मनोकामना पूर्ण होती है वहां जाया करें या फिर बच्चों से मिलकर अंदर पारक के बाद घूम के आया करें बिल्कुल नजदीक आपके कैमरी आइएगा इन सब कामनाओं के साथ सद्भावना के साथ सभी संतों का सभी हमारे कलाकारों का आयरोनिक बहुत सुंदर साउंड पसंद आ गया ठीक है और सभी का साउंड वालों का हमारे संतों पर युवाओं ने सेवा दी है उन सभी का जिन घरों में भजन प्रसाद आपने खिलाया उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अब जब गेहूं निकल जाएगी आश्रम की गाड़ी और आश्रम के बच्चे आएंगे आप बहुत सहायता करना क्योंकि मुझे याद है पिछले साल 50 क्विंटल गेहूं पवित्र महाराज और विजय ने आपके यहाँ गाँव से जो सबसे ज्यादा है आपका धन्यवाद।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भागवत सबको बोलना होगा एक बार फिर दोबारा से प्रणाम जी बोली कृष्ण का नहीं लाल की और पता है आज क्या विशेष दिन है आप सभी को पता है क्या रात को 12 बजे हम सब ने यह क्या किया था गुरु महाराज जी को विश किया था शुभकामनाएं दी थी जन्मदिन की तो आज दिन में भी हम सब ने केंद्रीय आश्रम में खूब बहुत सारे सुंदर साथ के बीच संगत के बीच में गुरु जी का जन्मदिन मनाया वहाँ पर बहुत सुंदर लंगर भंडारा भी था सत्संग भी था और खूब नाचे खूब गाए गुरु जी को गुरु जी कह रहे थे कि सब मुझे आशीर्वाद देने आए हैं तो आज हम गुरु जी को शुभकामनाएं देंगे बदले में आशीर्वाद लेंगे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की और गुरु जी ने अभी मांगा ना कि मिलजुल कर प्यार से सब रहना संतों का ये कहना तो गुरु जी का भाव यही है कि मैं जब अगली बार आऊं तो सब ऐसे ही हंसते खिलखिलाते चेहरे मिले ऐसे ही पवित्रा आप लोगों के बीच में घूमती रहे आपको कथा का न्योता देती रहे और आप तन मन धन से यहाँ आकर के इसी तरह इस कथा का आनंद रस लेते रहे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की और आइए एक बार हम भी गुरु महाराज को उनके जन्मदिन की बधाई दे देते हैं सभी मिलकर नाचेंगे गाएंगे और बधाई देंगे गुरु जी को दिन आ गया खुशियों का देखो दिन आ गया खुशियों वाला देखो दिन आ गया खुशियों
लाइनें मेरे साथ और गुनगुनाएंगे सभी मिलकर। सभी की सुनी हुई हर बर्थडे पर लोग आते हैं, हम भी मिलकर गाएंगे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए। जाने वालों बस प्रसाद लेकर जाना। हाँ, सभी प्रसाद लेकर जाएंगे। आरती वालों बस आरती होने वाली, प्रसाद पीछे ले जाओ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये आए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। पहला वाले जाए नहीं और अभी आरती में भाग लेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की। सभी को प्रणाम। प्रसाद पीछे आ गए हैं डाबड़ा वालों, लेकिन प्रसाद आ गया। आज प्रणामी का प्रसाद अवश्य घर लेकर जाए। प्रसाद प्रसाद बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और जिन किसी भक्तों को सेवा पूजा कंठी माला चंदन पुस्तक जो गुरु जी महाराज सुंदर सुंदर भजन सुनाते हैं, उन भजनों की किताब है राज रसिक गुणगाऊ भाग एक भाग दो कंठी माला फोटो। और राज श्यामा जी की बड़ी सुंदर सुंदर फोटोज हैं जो प्रणामी हैं उनके घरों में आप संत स्वामी जी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने कलश उठाया था वो नारियल के लिए कल आकर संपर्क करेंगे। और ये जो भागवत कथा हमने सुनी ये 7 दिनों तक लाइव चलाई गई है। और जिन्हें ये कथा दोबारा से देखनी हो घर जाकर अश्वनी पारी वो लोग आप YouTube पर जाकर सर्च करेंगे अश्वनी पारी वो लोग, और वहां पर आप दोबारा से ये भागवत कथा सुन सकते हैं। और आगामी गुरु महाराज की कथाएं सुनने के लिए गुरु महाराज का चैनल है YouTube पर स्वामी राजदास जी महाराज। तो आप सभी से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को ज्यादा से ज्यादा धर्म लाभ मिल सके। और जिन माताओं बहनों भाइयों को गुरु महाराज से गुरु मंत्र लेना हो, गुरु दीक्षा लेनी हो, वो भागवत कथा के बाद आरती के बाद यहीं पर रहेंगे, आपको गुरु महाराज से गुरु दीक्षा दिलवाई जाएगी। तो ध्यान रखें, आइए। जिन माइन को बहनों ने कलश उठाया था, कलश का जल और नारियल का प्रसाद अपना लेकर जाएं। किसी ने नहीं उठाया था तो किसी दूसरे का लेकर नहीं जाएंगे, पाप लगेगा। कलश कोई लेकर नहीं जाएगा, केवल जल और नारियल आप अपने अपने घरों में लेकर जाएंगे। अभी जो आए हैं अभी लेकर जाना और बाकियों का कल सुबह दे देंगे। निवेदन है कलश कोई नहीं लेकर जाएगा, अपना जल लेकर जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और सभी मैं धन्यवाद देना भूल गई, बाद में दूंगी, अभी आरती करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरुदेव महाराज की। आइए हम सब मिलकर बड़े प्रेम से बड़े भाव से भागवत जी की आरती में शामिल हो। बड़ी सुंदर सी आरती है, हम सब बड़े प्रेम से गाएं। मन में बसाते तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाते तेरी मूर्ति, उतारूं
गए तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी जब नाम तेरे करती अर्पण जिस नाम यही सोचो जिंदगी जब नाम तेरे करती अर्पण सब तो तुम संसारी की मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू मैं गिर गए तेरी आरती आइए हम सभी प्रसाद लेकर अपने अपने घरों की ओर जाएंगे जिन्हें गुरु मंत्र लेना हो गुरु दर्शन दीक्षा लेनी हो मंच के नजदीक रुके रहेंगे जब गुरु महाराज मंच से फ्री होंगे तो आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी और जिन किसी को कंठी माला भागवत भगवत गीता भजनों की किताब चाहिए भाई संत स्वामी जी ने स्टाल लगाई है आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं थोड़ा फोड़ थोड़ा तो मैं संतों का भी धन्यवाद करता हूँ और हमारे रामदेव जी महाराज की जो महाराजी हैं समय समय पर गौ सेवा के लिए जो गुड़ है सरसों का तेल है भेजते रहते हैं तो मैं पूज्य महाराज जी का भी धन्यवाद करूँगा और इसी तरह आप आश्रम के लिए सेवा करते रहेंगे गौओं के लिए सरसों का तेल और